ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे कि बाजार में एक प्रॉपर रिकवरी आ सकती है, वो रिकवरी आज हमें देखने को मिली है। जैसे कि कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि निफ्टी डेफिनेटली एक बड़ी फॉल आई है, ये फॉल को लीड करने वाले आपके मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स थे, बट बड़े जो भी स्टॉक्स हैं उनमें कोई गिरावट, ऐसी कोई खासा गिरावट नहीं आई थी। हम लोग ने एक डिस्कशन किया था कि पुट कॉल रेशियो पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत हल्का है, स्पेशली निफ्टी जो कि एक्सपायरी के समय लगभग 0.5 के पुट कॉल रेशियो पे जा रहा था, ओवरसोल्ड होके जा रहा था। और ओवरसोल्ड होके कहाँ पे जा रहा था, कल हम लोग ने डिस्कशन किया था कि एक डिमांड जोन आर्ली टाइम फ्रेम पे बन रहा है। इसकी रेंज कल आपसे डिस्कस की थी कि 21,930 से 21,850 की आपकी ये डिमांड जोन निकल के आती है, और बिल्कुल वहीं पे विक रिजेक्शन, दो बार विक रिजेक्शन दिया, एक कल दिया था और एक आज दिया है, और वहां से एक स्मार्ट रिकवरी हमें देखने को मिली है। अगर आज आप दिन के दौरान बात करोगे, ठीक है, स्मार्ट रिकवरी के बाद आपका बाजार एक सीमित दायरे में रहा, 22,200 के लेवल जहाँ पे हाइएस्ट कॉल ऑप्शन थे लगभग आपके एक्सपायरी के आसपास, उस लेवल को निकाल नहीं पाया। बट मोर इम्पोर्टेंटली कल के सत्र में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बड़े आंकड़े जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ कल है आपका 15 मार्च, और कल देर शाम, आई थिंक शाम तक आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि किन पार्टी को कितना चंदा गया, इसका डेटा उनको पब्लिक करना है। मतलब आई थिंक उनको पब्लिक करना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देख रही है। इसके अलावा एक और खबर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको पता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा वहां पर स्ट्रेस टेस्ट किया जा रहा है। बेसिकली सेबी देखना चाहती है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर बड़े रिडेम्पशन से एक बार में आ जाते हैं तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट का मतलब है बेच के पैसा इकट्ठा करके अपने इन्वेस्टर्स को दे पाओगे कि नहीं, इसका भी कल आपको खुलासा होगा। स्ट्रेस टेस्ट का क्या रिजल्ट आता है, म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड जो भी हाउस है, एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, वो सारे लोग इस डेटा को अपने वेबसाइट पे डालेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण अहम ट्रिगर रहेगा, ये कल के दिन आई थिंक बाजार बंद होने के बाद ही डेटा आएंगे। कल 20 तारीख को एक सबसे बड़ी डेटा आने वाली है जो कि यहाँ से दूर है, पर आप समझ लो कि हम लोग फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन वाले हफ्ते में भी एंटर कर रहे हैं, तो ये कुछ अहम बड़े ट्रिगर्स हैं। उसके पहले अगर अभी आप निफ्टी के टेक्निकल्स पे जाओगे तो हाँ, आज एक स्मार्ट रिकवरी आई है, डिमांड जोन पे आई है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसके वॉल्यूम को चेक करोगे तो फिर भी एवरेज वॉल्यूम, अबव एवरेज वॉल्यूम पे ये फॉर्मेशन हुआ है, बट क्योंकि कल आपका हफ्ते की क्लोजिंग भी होगी तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे फॉर्मेशन ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं है। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन कर रही है जो लंबे समय में निफ्टी को डेफिनेटली आज बाउंस बैक आई है कल बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन ऐसा कोई बहुत पॉजिटिव नहीं हो गया है क्योंकि अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आप बेयरिश एंगल्फिंग बना रहे हो। तो कल के सत्र में अगर निफ्टी आपकी 22,250 की तरफ भी क्लोज होती है तो एक बेयरिश एंगल्फिंग बनेगी, बट हाँ, एक प्रॉपर लोअर विक रिजेक्शन, और ये लगभग आपके चार महीने में तीन बार लोअर विक रिजेक्शन दे चुका है, और वो लेवल लगभग 21,850 का आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि वो लेवल बचेगा। तो डेफिनेटली अगर आप ट्रेंड रिवर्सल्स की बात कर रहे हो ना, कल जैसी गिरावट फिर से आती है, आप ट्रेंड रिवर्सल्स के बारे में सोच रहे हो, तो जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो 21,850 का है। जब तक आप 21,850 के नीचे क्लोज होते नहीं हो तब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल्स और ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन में चले जाए, देखो निफ्टी की ऑप्शन चेन में कुछ भी नहीं है, एक्सपायरी हो चुकी है। छोटे मोटे डेटा मैं आपको बता देता हूँ, ओवरऑल ऑप्शन का डेटा फिर से बनेगा, फिर हम देखेंगे। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इस समय मैं चर्चा करने चाह रहा हूँ। देखो समस्या कहाँ से शुरू हुई थी, मिड कैप स्मॉल कैप से, मिड कैप स्मॉल कैप की वजह से ही जो मार्च से बढ़ना शुरू किए थे उसी वजह से बाजार में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, लेकिन कल के सत्र में गिरने वाले सबसे ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप थे। बट अभी फिलहाल देखने को लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी आई है। मिड कैप का आप इंडेक्स देख सकते हो, दो
2% की तेजी आई है और स्मॉल कैप में लगभग 3.5% की एक स्मार्ट रिकवरी आई है। स्मॉल कैप में इनफैक्ट अगर आप देखोगे मार्च से जो तेजी हुई है उन पे ट्रेंड लाइंस जोड़ोगे जो उसने अक्टूबर 2023 में बॉटम बनाया था वहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन को डिफेंड करते हुए एक बुलिश पियर्सिंग का फॉर्मेशन है, ये एक काफी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप में जो कल जो पैनिक मचा था इसका देखने का मिल रहा है कि यार ये पैनिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिलहाल थमता हुआ नजर आ रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में उस टाइप की तेजी शुरू हो जाएगी, बट मेरा सिंपल पॉइंट है अगर मिड कैप स्मॉल कैप में कल जितनी बड़ी गिरावट नहीं होती है तो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप को संभालने की योग्यता रखता है, मतलब संभालने में सक्षम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज एक डोजी का फॉर्मेशन है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी जैसा स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं है। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई थी, ये आप 11 मार्च से पहले 3 दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो। इवनिंग स्टार एक प्रॉपर बेरिश फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एक डोजी बनी, डोजी का कन्फर्मेशन दिया उसने एक बेरिश साइड पर और आज अपने ट्रेंड लाइन से नीचे जाके एक डोजी का फॉर्मेशन दिया है। बैंक निफ्टी कमजोरी के संकेत दे रहा है, अगर ये कमजोर नहीं होता तो 46,900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है, तो हल्का सा आपको कमजोरी के संकेत बैंक निफ्टी यहां पे देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी के अगर हम लोग ऑप्शन चेन की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, तो अगेन मैं छोटे मोटे डेटा डिस्कस करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन थोड़ी सी बेरिश साइड पे है, पुट कॉल रेशियो आप देखोगे बेरिश है 0.77 के आसपास है जो कि कहीं से भी ओवरसोल्ड नहीं है। पुट कॉल रेशियो आपको बचाएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बेरिश साइड पर है। एडवांस डिक्लाइन बैंक निफ्टी का देखोगे तो 12 में से 6 शेयर ऊपर थे और 6 शेयर नीचे थे, बिल्कुल बैलेंस्ड है। इंपॉर्टेंट है कि सरकारी बैंक जो कि अगेन लीडरशिप में जब तेजी आ रही थी इनमें पार्टिसिपेट करने वाले एक अहम सेक्टर था, इसमें आपको एक अच्छी रिकवरी 0.7% की रिकवरी देखने को मिली है। अगेन एक बड़ा स्टॉक अगर हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस अभी भी देखो अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है और एक अच्छी रिकवरी में आज पार्टिसिपेट नहीं किया, तो रिलायंस एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है। देखो इसके बिना इंडेक्स टिका रह सकता है, ऐसा नहीं है कि 22,000 के नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर ऊपर जाना है तो रिलायंस का हमें ज़रूरत पड़ेगी। HDFC ICICI जो कि बड़े प्राइवेट बैंक है कल आपको गिरने में इतने आगे नहीं थे, कल कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी ने सहारा दिया था थोड़ा बहुत ही, वो आज तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन आज लीड कर रहे हैं आईटी सेक्टर स्टॉक। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस सिंपली कहता है कि यार बाजार में एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी आई है, लेकिन फिर से आप ये मत सोचना कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बिल्कुल लाइफ टाइम हाई की तरफ फिर से हम जाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कहीं ना कहीं एक बाजार रेंज बाउंड रहने वाला है, तो रेंज बाउंड बाजार में आप जानते हो ऑप्शन सेलर्स का ज्यादा बाजार हो जाता है, तो वहां पे सेलिंग साइड की स्ट्रेटेजीज थोड़ी बेटर वर्क करेंगे, या ऑप्शन बायर्स की तरफ पे आपको लेवल से ही काम करना पड़ेगा। किसी भी लेवल से तुरंत एंट्री करोगे चाहे पुट के साइड चाहे कॉल के साइड, इस टाइप के बाजार में आपका पैसा नहीं बनेगा। ओवरऑल कुछ लेवल्स में आपको बता दूं, अच्छी बात है कि आज एडवांस डिक्लाइन ऊपर आया है, ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी, सबसे पॉजिटिव संकेत मैं यही देख रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी के केस में अब मैं आपको लेवल बताने जा रहा हूँ, नीचे सपोर्ट 22,050 से 22,000 की तरफ एक पहला सपोर्ट है, सबसे मजबूत सपोर्ट, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता आप ट्रेंड रिवर्सल का नाम भी नहीं लोगे। ये 21,930 से 21,850 है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ 22,903 से 22,850 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर के साइड अगर आप बात करोगे 22,200-250 की रेजिस्टेंस लेवल निकल के आती है पहली, इसके ऊपर कहां तक जाता है मैं देखना चाहूंगा नए डेटा फॉर्मेशन के बाद। बैंक निफ्टी की डिस्कशन करोगे, बैंक निफ्टी वीकर साइड पर है, तो सबसे पहले ऊपर के साइड बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस देखो तो 47,200 पे रेजिस्टेंस, ये दो लेवल, और उसके ऊपर 47,400 से 500 थोड़े दूर आ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन चेन में अभी डेटा नहीं है। नीचे के साइड चर्चा करोगे, मोर इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में नीचे के साइड है सपोर्ट कहाँ पे है, सबसे पहली सपोर्ट और बहुत महत्वपूर्ण होगा इस लेवल को बचाने के लिए, वो आपकी निकल के आती है 46,500 से लेकर 46,400, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको बचाना चाहिए बैंक निफ्टी को, अगर नहीं बचती है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे चले जाओगे 46,000-45,900। अगर बैंक निफ्टी कमजोर होना होगा तो यहां से स्पेस बनती है बैंक निफ्टी के कमजोर होने की, और फिर पहली सपोर्ट 46,600 से 40
6500 की रेंज में आती है, 400 आपका एज आ अगर यहाँ से एंट्री करते हो तो एज आ स्टॉप लॉस यूज़ होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 46,000 45,900 के निकल के आती है, जो मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और आज की गिरावट में वॉलीटिलिटी इंडेक्स गिर के आई है, बट इससे कंफ्यूज मत होना, एक्सपायरी के दिन विक्स गिर के आता है, ऐसा नहीं है कि अभी बड़े मूव नहीं आ सकते, मार्च के महीने में अभी भी बड़े मूव आने की संभावना है। तो प्लीज़ अपने रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखें मार्च के महीने में। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई है, अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। आई विल सी यू अगेन, टेक केयर।